और पीटीआई रहनुमा मोहर सिलाही ने चौधरी शुजात के बेटों पर अपनी फूफियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजने का इल्ज़ाम लगा दिया। जवाब में चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन ने कहा कि खानदान की इज्जत पीटीआई के वोटों के लिए मत रोलो, कागजात नामजदगी जमा करवानी, उम्मीदवार का जाना ज़रूरी नहीं, आपके पास वकला की फ़ौज मौजूद है, उन्हें भेज दिया होता, गुजरात में औरत कार्ड ना चलाया जाए। पीटीआई रहनुमा मोनिस सिलाई के ट्वीट का जवाब देते हुए चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि जिस वाक़े का आपने जिक्र किया है उसका मुझे तब इल्म हुआ जब किसी ने ये ट्वीट मुझे भेजी। सालिक हुसैन ने कहा माएँ बहनें सांझी हैं, उनकी वीडियोस देखकर दिल रंजीदा है, कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उम्मीदवार का जाना जरूरी नहीं, आपके पास वकला की फौज है, उन्हें भेज दिया होता, बराह मेहरबानी गुजरात में औरत कार्ड ना चलाया जाए, शुक्र है आपने ये तो माना कि ये हमारा भी अबाई घर है, हमारे वहाँ आने पर जो ताले लग जाते हैं उन्हें भी खुलवा दें, पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है, आप खुद कहते थे सियासत अपनी अपनी करो, जाति अनाथ और बेबुनियाद इल्जामात मत लगाओ, दुआ है अल्लाह आपको सब्र दे और चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम हो। मोनिस इलाही ने अपनी ट्वीट में कहा था कि चौधरी शुजात के बेटों ने अपनी फूफियों की गिरफ्तारी के लिए अबाई घर पुलिस भेजी।